टाइगर और लायन जंगल के ऐसे जानवर हैं जो अपने खाने का इंतजाम करने के लिए किसी जानवर या इंसान पर अटैक करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। इनकी डिक्शनरी में मर्सी नाम का कोई शब्द नहीं है। जब ये अपने अटैकिंग मोड में होते हैं तो किसी को नहीं बख्शते, तब हर चीज इन्हें लजीज नजर आती है। इस कारण भी सभी जानवर इनके सामने आने से डरते हैं या इन्हें देखते ही भाग खड़े होते हैं। टाइगर के अटैक इतने खूंखार और दर्दनाक होते हैं कि देखकर किसी का भी दिल सहम जाए। लेकिन आज हम आपको ऐसी ही कुछ वीडियोस दिखाने वाले हैं जहां टाइगर ने अपने एक अटैक से अपने शिकार को चारों खाने चित कर दिया। गाय सभी जानवरों में सबसे सीधी और साधारण मानी जाती है। ये एक शाकाहारी जानवर है जिससे किसी को भी कोई खतरा नहीं होता। हालांकि शेर को गाय के अच्छे रवैये से कोई लेना देना नहीं, उसे तो बस अपने पापी पेट की खबर है, जिस कारण घने जंगल में आराम से अपनी घास चरती गाय पर जब एक अनजान और भूखे शेर की नजर पड़ी तो मानो उसे तो अपना खाना मिल गया हो। जंगल में गाय को देखते ही शेर ने एक मिनट की देरी नहीं की, वो फटाफट से गाय के ऊपर अटैक करता हुआ उस पर हावी हो गया। गाय बेचारी शेर के नुकीले पंजों और शार्प दांतों के आगे कहां खुद को छुड़ा पाती, जिस कारण काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार गाय ने सरेंडर कर ही दिया और शेर का खाना बनने पर मजबूर हो गई। हर सुबह की तरह आज भी टाइगर्स का झुंड सुबह सुबह अपनी पेट पूजा करने के मकसद से जंगल का जायजा लेने निकला है। कई दूर चलते चलाते रुकते रुकाते फाइनली इन्हें एक भालू नजर आया जो जंगल में इन शिकारियों से बेखौफ आराम कर रहा है। लेकिन ये क्या, टाइगर्स ने इस भालू को देख अपने खाने का डिसाइड कर लिया और जैसे ही भालू को इस बात की भनक लगी कि उसके पीछे एक नहीं बल्कि टाइगर्स का पूरा झुंड है, वो दुम दबाकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। लेकिन आखिर टाइगर की रफ्तार के सामने भालू के पैर कहां उसे मात देने वाले थे, और काफी देर भालू को चेस करने के बाद सभी टाइगर्स ने भालू पर छलांग लगाकर उसे जान से मार डाला और आराम से अपने दोस्तों के साथ अपने खाने का मजा लेने लगे। भूख की तलाश में अपने पापी पेट का सर्च वारंट लेकर जंगल में निकले टाइगर की नियत से अनजान कुछ मासूम डियर्स का झुंड आराम से धूप के मजे ले रहा था। लेकिन टाइगर जल्द ही इन डियर्स का सुख चैन छीनने वाला था और बड़ी चुपचाप एक जगह बैठकर सही समय का इंतजार करने लगा। टाइगर की नजरें केवल बेबी डियर्स पर थी जो अपनी मौत से अनजान अपने परिवार के साथ टहल रहा था। लेकिन ये क्या, बेबी डियर अपनी धुन में घूमता घूमता अपने परिवार से अलग हो गया और टाइगर ने इस समय का पूरा फायदा उठाया। उसने धीरे धीरे अपने कदमों की रफ्तार तेज करते हुए बेबी डियर पर कमाल का अटैक किया और उसे अपने मुंह में दबाकर वहां से निकल लिया।